अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं दरक्षा शुएब ईद की स्पेशल रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है अरेबियन स्वीट बाइट। ईद के चटपटे खाने के साथ ज़रूर ये स्वीट डिश तैयार करिएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप क्विक से बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले सिवैयों को अच्छी तरह छोटा छोटा सा कर लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप बटर। एक खुले पैन में ले लें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आप मेल्ट कर लें। बटर को बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको मेल्ट करते जाना है। इसको स्पून के साथ चलाते जाना है। लो फ्लेम पे जब बटर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 कप सिवैयाँ, जिसको हमने बारीक तोड़ लिया था। और इसको हल्के हल्के हाथ से चलाते जाना है। सिवैयों को बटर में भूनना है बिल्कुल हल्की आंच पे। आप 10 मिनट तक इसको भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी एक खुशबू ना आना शुरू हो जाए। आपको इसी तरह से भूनते जाना है। पहले बटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टेस्टी क्राफ्टी की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज मिलती रहें। लो फ्लेम पे सिवैयाँ भूनने के बाद इस तरह से कुछ कलर हो जाएगा। इसके बाद में मैं इसे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क और ये अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको मिक्स करते जाना है इसको। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही आसानी से देखें तैयार हो गई है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इस पूरी रेसिपी में आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है और इसी तरह से मिक्स करते जाना है। सिर्फ आपको मिक्स करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है। जब मिक्स हो जाए तो इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको शेप देने के लिए मैंने स्पून यूज़ करा है। आप कोई भी सांचा यूज़ कर सकते हैं, ये कोई कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से जैसे आपको शेप चाहिए, छोटा चाहिए तो छोटा, अगर बड़ा शेप चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। मैंने मीडियम साइज़ का शेप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप सिवैयाँ डालकर इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे ताकि इसका राउंड शेप अच्छा सा बन जाए। और ये देखें रेडी है बिल्कुल। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ी सी सिवैयाँ लेनी है और फिर उसको प्रेस करना है ताकि इसका शेप बन जाए राउंड और इजीली से ये निकल जाता है। बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, ये हल्का हल्का सा गर्म है। थोड़ा गर्म होगा तो इसकी शेप सही बनेगी और अगर ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा, तो ये अच्छी से शेप में नहीं आएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ पिस्ता। आप इसके अलावा कोकोनट, बादाम या कोई भी नट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसी तरह से अब मैं जल्दी जल्दी ये सारे बना लूँगी। अरेबियन स्वीट बाइट को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी से आप मीडियम साइज़ की 8 स्वीट्स बना सकते हैं। अगर आप छोटा साइज़ रखेंगे तो वो आपके 12 से 15 तक बन जाएगा।
ये देखिए रेडी है अरेबियन स्वीट स्पाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टेस्टी क्राफ्टी की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज मिलती रहें। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रिमेंबर मी ऑन योर प्रेयर्स, अल्लाह हाफिज़।